नमस्कार, मैं मीनाक्षी यादव, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। और आज की हमारी रेसिपी है पनीर प्याजा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्टी रेसिपी। पनीर प्याजा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई में 1 चम्मच तेल। तेल को गर्म होने देते हैं और गर्म हो गया है तेल, अभी इसमें डाल रही हूँ मैं 1/4 चम्मच जीरा। और जीरा भुन चुका है, अभी मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। तो यहाँ पे मैंने 3 प्याज कट करके रखी हैं जो थोड़े बड़े साइज़ की थी, तो वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। तो अभी इसमें ऐड करते हैं मसाले। तो 1/4 चम्मच ऐड करूँगी मैं इसमें नमक, 1/2 चम्मच इसमें ऐड करूँगी मैं सूखा धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच ही मैं लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। आज मेरे पास हरी मिर्ची नहीं है तो मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप हरी मिर्च डालना चाहो तो 2 हरी मिर्ची कट करके डाल दें इसमें। और इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद में इसको हम ढक कर के पकाएँगे 7-8 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो आँच पर। तो अभी मसाला मेरा पक चुका है और मैं लास्ट में इसमें डाल रही हूँ 1 चुटकी गरम मसाला और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे 200 ग्राम पनीर, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि पनीर में ये मसाले सारे चले जाएँ। तो अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और उसके बाद ढक कर के रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए, और उसके बाद हम लोग सब्जी सर्व कर सकते हैं। तो तैयार है मेरी टेस्टी पनीर प्याजा की सब्जी बनकर। तो आप लोग भी बनाइए अपने घर पे ये टेस्टी रेसिपी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही में दबाइए बेल आइकन ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं तो उन्हें कीजिए लाइक, शेयर और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।